फंक्शन ओवरलोडिंग इन C++। ये हमारे आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है। जब हम C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम फंक्शंस बनाते हैं। अब फंक्शंस की ओवरलोडिंग क्या होती है? ओवरलोड करने का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को ओवरलोड करने का मतलब है कि जो उसकी कार्य करने की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोड उस पर डालना, उससे ज़्यादा काम उससे करवाना या उसको सक्षम बनाना, ये होती है ओवरलोडिंग। तो फंक्शन है वो कोई एक काम कर सकता है, उसको कैसे ओवरलोड किया जाए। नमस्कार, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, GPC डूंगरपुर। स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में, और हम फंक्शन ओवरलोडिंग इन C++ को हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से समझेंगे। वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, छोटा सा वीडियो है और बहुत ही आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। फंक्शन ओवरलोडिंग इन C++। तो फंक्शन ओवरलोडिंग C++ प्रोग्रामिंग का एक इम्पोर्टेंट फीचर है जो हमें कैपेबल बनाता है कि हम एक ही फंक्शन को एक ही नाम यूज करके लेकिन विभिन्न पैरामीटर्स पास करके अलग अलग काम उससे करवा सकते हैं। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको डिस्प्ले करा रहा हूँ, तो आपको आसानी होगी इसको समझने में। फंक्शन ओवरलोडिंग इन C++ प्रोग्रामिंग फीचर दैट अलाउज अस टू हैव मोर देन वन फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। मतलब इसका सीधा सा है कि एक से ज़्यादा फंक्शंस ऐसे होंगे जिनका नाम है वो सेम रहेगा। अब हमने पहले ये पढ़ा कि एक से ज़्यादा फंक्शन का सेम नेम नहीं दे सकते। जैसे किसी परिवार में दो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों का नाम ही रख दिया सुरेश, तो अब कोई सुरेश बुलाएगा तो सुरेश उनमें से कौन सा आएगा? कन्फ्यूजन हो जाएगा दोनों बच्चों में कि किसको बुला रहे हैं। हो सकता है दोनों आ जाएं या हो सकता है दोनों नहीं आए, सोचे कि उसको बुला रहे होंगे उसको बुला रहे होंगे। तो प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही है कि जब एक से ज़्यादा फंक्शन है या कोई वेरिएबल है, कोई क्लास है या ऑब्जेक्ट है, कोई भी एलिमेंट है, अगर दो से ज़्यादा चीज़ें ऐसी है जिनका नाम सेम रख दिया तो कंप्यूटर को कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि किसको कॉल किया जाए। तो इसलिए चाहे प्रोग्रामिंग हो, डेटाबेस हो, कुछ भी हो, हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के नेम सेम नहीं रखते। तो फिर यहाँ पर क्या कारण है कि हम दो फंक्शन का नाम है वो सेम रख रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए, नाम तो सेम है लेकिन उनमें जो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं उनकी जो लिस्ट है, उनकी जो सूची है, वो अलग अलग है। जैसे कि हम देखते हैं इसमें एग्जांपल में, अब इसमें हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है, फंक्शन एक ही है सम। तो पहले इसमें हमने पास किया INT A और फ्लोट बी, ठीक है, दो नंबर पास किए। ए है वो इंटीजर टाइप का है और बी है वो फ्लोट टाइप का है, और सम क्या करेगा, इन दोनों को सम करेगा, इनको जोड़ेगा। तो पहले में पहला नंबर इंटीजर है और दूसरा फ्लोट है, फिर इसी फंक्शन को हम दूसरे तरीके से लिख दिया, सम फ्लोट ए इंट बी। मतलब अभी भी है क्या, एक नंबर फ्लोट है और एक इंटीजर है, लेकिन सीक्वेंस चेंज हो गई, पहला नंबर फ्लोट आ गया, दूसरा इंटीजर हो गया, जबकि पहले में क्या था, पहले इंटीजर था फ्लोट भी। तो सिर्फ हमने सीक्वेंस चेंज की है, पैरामीटर्स भी चेंज नहीं किए हैं, सिर्फ सीक्वेंस चेंज की है। और सीक्वेंस चेंज करने से भी क्या होगा, ये दोनों फंक्शन है वो अलग अलग माने जाएंगे, एक नहीं माना जाएगा। जब हम पहले इंटीजर बाद में फ्लोट पास करेंगे तो पहले वाला सम फंक्शन है कॉल होगा, और जब पहला वाला नंबर फ्लोट होगा दूसरा इंटीजर होगा तब दूसरे वाला कॉल होगा। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा।
दूसरी बात फंक्शन ओवरलोडिंग है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म हम देख चुके हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जब एक ही चीज़ अलग अलग तरह का व्यवहार करती है उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो फंक्शन एक ही है सम, लेकिन अलग अलग तरह का व्यवहार कर रहा है, तो ये कंपाइल टाइम क्यों है? देखो दो तरह की चीज़ें होती है, एक कंपाइल टाइम होता है एक रन टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब कोई भी इवेंट होनी है, कोई भी घटना होनी है तो वो कंपाइल टाइम पर हो जाती है। जैसे सिंटेक्स एरर्स आती है हमारे प्रोग्राम में तो वो कंपाइल टाइम पर आ जाती है। तो रन कराने से पहले हमें पता रहता है कि हमारे प्रोग्राम में ये एरर्स है, तो वो होता है कंपाइल टाइम। कंपाइल का मतलब संकलन करना, किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करना, अच्छे से जमाना, उसको बोलते हैं कंपाइल करना। एक होता है रन टाइम। रन टाइम एरर्स है वो कंपाइल टाइम पर पकड़ में नहीं आती है, वो जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है उस टाइम पर आती है, जैसे एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन को हम बोलते हैं रन टाइम एरर्स, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। देखिए और एग्जांपल लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, सम नाम से तीन फंक्शन बना दिए, तीनों के नाम तो क्या है सेम है, लेकिन पहले में हमने क्या किया, दोनों पैरामीटर्स पास किए वो इंटीजर टाइप के हैं, फिर दूसरे में क्या किया तीन पैरामीटर पास कर दिए और तीनों इंटीजर हैं, फिर तीसरे में क्या किया पहला इंटीजर है और दूसरा डबल है, तो ये तीनों ही अलग अलग माने जाएंगे। जैसे पहले और दूसरे को कंपेयर करते हैं तो दोनों में क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग हैं, पहले में दो पास किए दूसरे में तीन, तो ये अलग अलग माने जाएंगे। फिर दूसरे और तीसरे में क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी अलग अलग है प्लस इनका डेटा टाइप भी अलग है। पहले और तीसरे में देख लेते हैं, तो पहले और तीसरे में पैरामीटर्स तो दोनों में दो दो पास किए हैं, लेकिन पहले में दोनों इंटीजर हैं और तीसरे में पहला इंटीजर और दूसरा डबल है, इसलिए ये भी अलग अलग माना जाएगा। तो इसका मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए हमें क्या चाहिए कि या तो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं उनका डेटा टाइप चेंज हो जाता है, अगर डेटा टाइप अलग अलग हो जाता है, या नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं, या फिर उनकी सीक्वेंस अलग अलग हो सकती है। तो ये तीन तरीके हैं, उनमें से अगर कोई सा भी एक होता है तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी, वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं वो सेम नेम के साथ बना सकते हैं। अब एक प्रोग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे। पहले देखते हैं, यहाँ पर दो फंक्शन है सम नाम से, लेकिन पहले में क्या है दोनों इंटीजर पास कर रहे हैं और दूसरे में दोनों डबल पास कर रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया। फिर यहाँ पर वापस देखा हमने, दो सम नाम से फंक्शन है, दोनों में पैरामीटर्स तो सारे इंटीजर टाइप के ही हैं, लेकिन पहले में दो पैरामीटर पास किया और दूसरे में तीन पास कर दिया। फिर देखते हैं वापस, यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, लेकिन पहले में हमने क्या किया पहला पैरामीटर इंटीजर है और दूसरा डबल है, दूसरे फंक्शन में क्या किया पहला डबल कर दिया दूसरा इंटीजर, तो एक इंटीजर और एक डबल, पैरामीटर दोनों में यही है लेकिन सीक्वेंस चेंज हो गया, तो ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाएगी। तो ये सारे केसेज हैं वो फंक्शन ओवरलोडिंग में माने जाएंगे, इनको वैलिड मानेंगे। हमें याद ये रखना है कि जो पैरामीटर्स की लिस्ट है वो डिफरेंट होनी चाहिए फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए। डिफरेंट का मतलब है नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं, डेटा टाइप अलग हो सकता है, या सीक्वेंस अलग हो सकती है, ये सब वैलिड माने जाएंगे फंक्शन ओवरलोडिंग में। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें सम नाम के दो फंक्शन हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास दो फंक्शन हैं, इनमें क्या किया हमने पैरामीटर सेम रखे हैं दोनों में, और जो रिटर्न टाइप है वो अलग कर दिया, पहले में इंट है दूसरे में डबल है, तो इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग में वैलिड नहीं मानेंगे, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग की शर्त ये है कि पैरामीटर्स है वो अलग अलग होने चाहिए, रिटर्न टाइप से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पर पैरामीटर्स दोनों में इंट इंट है, न तो सीक्वेंस चेंज हो रही है, न उसका डेटा टाइप चेंज हो रहा है, न नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल सेम के सेम है। इसलिए हम इसको फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं मानेंगे, चाहे इनके रिटर्न टाइप सेम अलग ही क्यों ना हो। तो रिटर्न टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें रिटर्न टाइप देखना ही नहीं है फंक्शन ओवरलोडिंग के मामले में। अब चलिए एक प्रोग्राम है उससे हम इसको समझते हैं। हैस इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यहाँ पर हमने एड नाम से एक क्लास बनाई है और उसमें पब्लिक हमने एक फंक्शन बनाया है सम नाम से, रिटर्न टाइप इंटीजर है और इसमें दो पैरामीटर हमने पास कर दिए हैं, इंट नम वन और इंट नम टू। दोनों पैरामीटर्स इंटीजर टाइप के हैं, दोनों को हमने जोड़कर रिटर्न करा दिया है, उनका सम रिटर्न करा दिया है। फिर दूसरा हमने फंक्शन बनाया है, उसमें हमने तीन पैरामीटर पास किए, तीनों का ही डेटा टाइप इंटीजर है और यहाँ पर हमने रिटर्न करा दिया तीनों का सम करके। तो हमने दो फंक्शन बनाए, एक तो क्या कर रहा है, दो इंटीजर को जोड़ के रिटर्न कर रहा है और एक तीन इंटीजर को जोड़ के रिटर्न कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग हैं, देखिए रिटर्न टाइप तो दोनों का इंट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें रिटर्न टाइप देखना ही नहीं है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग हैं तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग मानी जाएगी। तो हम इनको कॉल करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर हमने एड जो क्लास थी उसका ओबीजे एक ऑब्जेक्ट बनाया है और सी आउट करके ओबीजे डॉट सम और दो पैरामीटर पास किए इंटीजर टाइप के, इसका मतलब पहले वाला जो सम फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा और दोनों को जोड़ देगा, 30 + 5 = 35 कर देगा। दूसरा है सी आउट ओबीजे डॉट सम, इसमें तीन पैरामीटर पास किए हैं 800 और 10, तो ये 118 रिटर्न कर देगा, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। अब फंक्शन ओवरलोडिंग के एडवांटेजेस क्या है, क्या लाभ होता है फंक्शन ओवरलोडिंग से हमें? तो फंक्शन ओवरलोडिंग से लाभ यही है कि एक तो कोड जो होता है हमारा उसकी रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। अलग अलग फंक्शन नहीं बनाए भाई, अगर दो नंबर के कितने भी नंबर हो अगर जोड़ने का काम करना है तो जोड़ने के नाम से एक ही नाम से फंक्शन बना देंगे सारे, ठीक है? ऐसे नहीं, मान लो दो नंबर को जोड़ रहे हैं तो अलग नाम रख दिया फंक्शन का, तीन को जोड़ रहे हैं तो अलग या डबल को जोड़ रहे हैं तो अलग, भाई जोड़ रहे हैं तो काम तो जोड़ने का ही हो रहा है चाहे पैरामीटर्स कैसे भी हो। तो एक तो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी पठनीयता होती है जो, वो उससे सुधार होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, प्रोग्रामर को फ़ायदा होगा। देखिए रीडेबिलिटी है वो कंप्यूटर के लिए नहीं है, वो यूजर के लिए है, इंसान के लिए। तो कोई भी इंसान है जब उस प्रोग्राम को पढ़ेगा, चाहे जो प्रोग्राम बना रहा है वो खुद थोड़े टाइम बाद में पढ़ता है उसको, तो उसको भी आसानी होगी उसको समझने में, या कोई दूसरा इंसान उसको पढ़ता है तो उसको भी प्रोग्राम को समझने में आसानी होगी। तो एक तो रीडेबिलिटी जो पठनीयता है उसमें सुधार होगा इसमें, एक जो है कोड की रीयूजिबिलिटी है वो उसकी हमें परमिशन मिलेगी, अलाउ करेगा, कोड को भी हम रीयूज कर रहे हैं ना, फंक्शन का नाम वो ही रख रहे हैं, सिर्फ पैरामीटर्स चेंज करें, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर ही हमें तीन चार टाइप के ऐड करने के सम करने के फंक्शन बनाने होते तो चार पांच अलग अलग नाम के फंक्शन होते, तो सोचो एक तो उसको पढ़ने में समझने में कितना मुश्किल होता कि ऊपर फंक्शन बना दिए, जब कॉल कर रहे हैं तो कॉल करते टाइम देखना पड़ेगा, जब तीन को जोड़ रहे थे तो उस टाइम पर फंक्शन का नाम क्या था, चार को जोड़ रहे हैं तो क्या है, या पहला डबल आ गया दूसरा इंटीजर आ गया, पहला इंटीजर आ गया दूसरा डबल, तो उसका क्या नाम दिया था, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए सबका एक ही नाम रहेगा तो देखना ही नहीं है, जब कॉल कर रहे हैं तो नेम किस क्या है, सम सबका, और जो भी पैरामीटर्स का पास कर रहे हैं वो कर दो। तो कोड की रीडेबिलिटी बढ़ गई और उसका कोड का रीयूज हो रहा है, तो ये सारे फंक्शन ओवरलोडिंग के लाभ हैं। तो यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आई हुई है चीज़ें, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपके कोई सुझाव हैं तो आप वो कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू।